वहीं रखरखाव के अभाव में कैंप 2 स्थित बैकुंठधाम तालाब अपने मूल स्वरूप से विमुख होता रहा है। सुबह से रात तक तालाब परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं निगम प्रशासन ने तालाब को उपेक्षित छोड़ दिया है। लोगों की आस्था का केंद्र बैकुंठधाम तालाब अब केवल नाम का ही शेष रह गया है। चारों ओर फैली गंदगी और कचरा तालाब की पहचान बन चुकी है। इसकी सफाई को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा अब तक कोई पहल शुरू नहीं की गई है। तालाबों की सफाई को लेकर जो भी होता आया है वह केवल खाना पूर्ति ही साबित हुआ है। आसपास निवासरत मवेशी मालिक अपने मवेशियों को तालाब में ही नहलाते हैं, जिससे गंदगी बढ़ने के साथ पानी प्रदूषित हो चुका है। निगम प्रशासन द्वारा इसे उपेक्षित छोड़ दिए जाने से ऐसी स्थिति बनी है। सरोवर धरोहर योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अधिकांश तालाबों के सौंदर्यीकरण करने की बातें कही गई थी, जिस पर अभी तक अमल शुरू नहीं किया जा सकता। हम इस वक्त मौजूद हैं बैकुंठ धाम के इस तालाब में। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, चारों ओर गंदगी का आलम है। लोगों द्वारा यहाँ पर आकर के कचरा भी फेंका जाता है। ये आवाज दुधारू मवेशियों का है। मवेशी मालिक है, वो अपने दुधारू मवेशियों को यहीं पर नहलाने धुलाने का काम करते हैं। इस तालाब को निगम प्रशासन द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित छोड़ दिया गया है। रात होते ही इस तालाब के चारों ओर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ से पैदल चलने वाले चाहे महिला हो अथवा पुरुष, सभी को इन असामाजिक तत्वों से खतरा बना रहता है। बावजूद उसके यहाँ पर ना तो पुलिस प्रशासन की गश्त होती है, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था को बनाने की कोई पहल निगम प्रशासन द्वारा की गई। अभी कुछ दिनों पश्चात छठ पर्व आने वाला है। छठ पर्व के मद्देनज़र लोगों की आस्था के केंद्र इस बैकुंठधाम तालाब में छठ पर्व के कुछ दिनों पूर्व, कहा जाए एक दो दिनों पूर्व ही दिखावे के लिए नाम मात्र की सफाई कार्य किया जाता है, ताकि लोग यहाँ पे छठ पर्व को मना सकें। उसके बाद फिर से साल भर के लिए इस तालाब को उपेक्षित किया कर दिया जाता है। नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दावा तो तमाम तरह के किए जाते हैं तालाबों के रख रखाव सौंदर्यीकरण को लेकर के, लेकिन धरातल में हकीकत कुछ और ही रहती है। स्थानीय लोगों कुछ लोगों से हमारे द्वारा चर्चा भी की गई, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि आने वाले समय में इस तालाब के रख रखाव को लेकर के नगर निगम प्रशासन द्वारा यदि कोई पहल नहीं की जाती, इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया जाता, तो उसके उनके द्वारा नगर निगम प्रशासन का घेराव किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।